दतिया जिले में बाल श्रमिक प्रथा समाप्त किए जाने एवं बाल श्रमिक रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, यह आदेश न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर संदीप माके ने श्रम विभाग एवं बाल कल्याण सुरक्षा संरक्षण की बैठक में जारी किए। बैठक में श्रम विभाग अधिकारी सुश्री दीक्षा दांगी एवं बाल कल्याण संरक्षण के प्रभारी अधिकारी एवं सदस्यों द्वारा बैठक के उद्देश्य के बारे में अवगत कराया गया तथा बाल श्रमिकों के लिए किए गए विगत 3 माह की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर संदीप माकिन ने उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों से कहा कि जिले में बाल श्रमिक की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। अभी भी जिले में कई जगह बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने प्रयासों से एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे बाल श्रमिक ढूंढने होंगे। बैठक में जिला बाल कल्याण एवं सुरक्षा समिति के अधिकारी एवं सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कई बच्चों को बाल श्रमिक कार्य के बंधन से मुक्त कराकर उन्हें परिवारों को समझाइश देते हुए उन्हें आर्थिक रूप से मदद की। बैठक में कलेक्टर संदीप माकिन ने कहा कि अभियान के दौरान जिस स्थान पर बाल श्रमिक कार्यरत हैं उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाए, जिससे जिले में बाल श्रमिक बंधन प्रथा की समाप्ति हो सके। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया, जिला जनसंपर्क अधिकारी सुश्री निहारिका मीना, जिला श्रम अधिकारी सुश्री दीक्षा दांगी समेत अन्य विभाग के अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।